खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पे और मेरे किचन में भी। और फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ होली के अवसर पर बेसन की सेव। वैसे तो किसी भी अवसर पे बना सकते हैं, किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं और वैसे भी बना के खा सकते हैं, कभी बना के रख सकते हैं यदि आपको पसंद है तो। और बेसन की सेव है जो कि थोड़ी मीडियम साइज की बनाऊंगी मैं, मोटी भी बनती है, बिल्कुल बारीक भी बनती है, कई तरह से बनती है। तो आज मैं जो बना रही हूँ, नॉर्मली हम अक्सर त्योहार पे बनाते हैं और सभी लोग पसंद करते हैं, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं इसके लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत होगी। बेसन की सेव बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑयल ले लिया मैंने, मूंगफली का तेल। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेसन रख दिया है, उसको छान लिया आपने। यहाँ पे हींग रखी है, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, और इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को मैं अभी थोड़ा सा दरदरा कर लूंगी और उससे फ्लेवर आ जाता है उसका। और साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर पीसा हुआ, ये घर का है, होममेड। इसके अंदर लौंग है और काली मिर्ची, सभी गरम मसाले अच्छे से पीसे हुए हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप चाहे तो घर पे मेरे होममेड गरम मसाले का वीडियो बना हुआ है तो आप घर पे पीस सकते हैं उसको। तो साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे बेकिंग सोडा, आप चाहे तो मीठा सोडा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको अजवाइन बताई थी उसको मैं थोड़ा दरदरा कर लूंगी इस तरह से, देखिए। और अब इसको दरदरा करने से इसकी बहुत अच्छी फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, खुशबू आ जाती है। तो बस ये हो गई हमारी, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करनी है। और अब इसको हम बाउल में निकाल देंगे। तो 500 ग्राम बेसन जो मैंने छान के रखा था उसको ले लेंगे हम। मैंने परात में निकाल दिया बेसन को। अब इसके अंदर मसाले मिला लेंगे हम। तो जैसा कि मैंने बताया, आप मोटी बारीक जैसी भी चाहे डोके बोलते हैं, मोटी मोटी सेव होती है, बारीक बारीक भी सेव आती है, और जैसे मशीन भी आती है सेव बनाने की, उसके अंदर आप डो डाल के और उसको घुमा के भी बना सकते हैं, प्रेस करने वाली भी आती है। तो यदि आपके पास वो है तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसमें अलग अलग सांचे होते हैं, बारीक मोटे, उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। कई जने जैसे अजवाइन जैसे मैं डाल रही हूँ, कई जने जीरे वाली पसंद करते हैं, कई लोग खाली हींग की पसंद करते हैं, खाली हींग जीरा अजवाइन की। कई लोग जैसे आप चाहे तो इसके अंदर तो अजवाइन बहुत कम डालें, साथ में लहसुन भी पीस के डाल सकते हैं। जब आप इसको डो बना रहे हैं आप सेव का, तो लहसुन पीस के डालेंगे तो लहसुन के फ्लेवर की बन जाएगी, अजवाइन के फ्लेवर की, जीरे के फ्लेवर की, हींग के फ्लेवर की, जो भी चाहे आप बना सकते हैं। और मसाले वगैरह भी आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, कम ज्यादा खाते हैं तो। जैसे ये हींग है, किसी को ज्यादा हींग का फ्लेवर पसंद होता है, मिर्ची तेज पसंद करते हैं कई लोग, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं मसाले। और जितना आप सामग्री ले रहे हैं, जितनी आप मात्रा ले रहे हैं बेसन की, उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ, बाकी आप अलग अलग प्रकार के सेव इसी तरीके से बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिला। तो यहाँ पे बेसन में मैं डालूंगी जो दरदरी करके मैंने अजवाइन रखी थी, तो वो अजवाइन डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और लहसुन जैसा मैंने बताया, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा फ्लेवर डालना चाहते हैं। और ये पीसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी अच्छी चटपटी होती है सेव हमारी, तो बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ हींग, हींग बहुत ही अच्छी लगती है इसके अंदर, तो हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हींग डाल रही हूँ इसके अंदर, एक टीस्पून हींग डाल दी मैंने, 1.5 टीस्पून मैंने डाला है अजवाइन, और 1 टीस्पून मैंने डाली है गरम मसाला। मसाले जैसे कि मैंने बताया आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, हमारी सेव का कलर जैसे खराब हो जाता है कई बार, तो लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून डाल दिया, मैंने जैसे 500 ग्राम लिया बेसन। और नमक हम डाल देंगे इसके अंदर स्वाद के अनुसार। तो नमक तो थोड़ा सा जैसे हमने आप कह दें कि आप लोग सोचेंगे कि अब इसका नमक कैसे पता पड़ेगा या मसाले का, तो जैसे हमने ये डो थोड़ा सा मिक्स कर लिया, सब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल के और एक छोटा सा गोली टाइप या छोटी सी ऐसी टिकिया टाइप बना ले उसकी छोटी सी, और जब ऑयल रखे गर्म उसमें आप उसको तल के देख सकते हैं, या जिस समय हमारा भीगा हुआ भी है मान लो, और मान आपको लगता है नमक कम है, तो नमक तो उसमें मिक्स हो जाता है, अच्छे से डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा तल के देख ले और उसको चख ले, आपको लगे थोड़ा नमक कम है तो आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे नमक बहुत ज्यादा कम है या कुछ है तो वो टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है, तो इस तरह से आप चख लेंगे तो आपकी सेव बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चौथाई टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा, कई लोग ज्यादा भी डालते हैं, आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं जो हलवाई वगैरह सेव में डालते हैं।
तो क्योंकि है ना इसमें बहुत हार्मफुल होता है ये और तेल भी पीते हैं, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है इसके अंदर। और जैसे मैं ऑयल डालूंगी अभी इसके अंदर मोइन के लिए, तो हम लोग ज्यादातर ऑयल डाल के और मोइन लगा देते हैं, उससे सेव अच्छी सॉफ्ट बन जाती है। और आपको थोड़ी कड़क रखनी हो सेव तो आप उसमें ऑयल कम डाल सकते हैं। तो घर में थोड़े बड़े बूढ़े होते हैं तो सेव को अच्छे से खा नहीं पाते, उनको शौक होता है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा मोइन डाल के और उसको अच्छा बनाती हूँ सेव को, ताकि वो आराम से खा सके। तो आप लोग मोइन भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं यदि थोड़ी कड़क रखनी हो तो। तो अब इसमें ऑयल का ही मोइन डलेगा, तो तेल का इसमें मोइन डाल देते हैं हम। एक बार मैं मिक्स कर दूंगी इसको, आपको बताती हूँ। सभी मसाले मिक्स हो गए और ऑयल भी डाल दिया, सब हमने मसाले डाल के एक बार मिक्स कर लिया और अब ऑयल डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने मसाले मिक्स कर लिए और ऑयल भी डाल दिया था मोइन के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी बनता बोलते हैं हम। तो आप लोग यदि कड़क बनाना चाहें तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। तो अब इसको हम पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको डो बनाएंगे। थोड़ा गीला रखेंगे हल्का सा इसको, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने रखेंगे तो हल्का सा ये पानी सोख लेता है और सॉफ्ट हो जाएगा, उससे फूल जाता है, तो हमारी सेव और भी अच्छी बनती है। तो पहले तो मैं इसका डो बना लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने डो बना दिया है सेव बनाने के लिए, तो आप इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा इतना सा आप इसमें से बेसन लेके थोड़ा सा पकोड़ी की तरह गोल गोल करके, और कढ़ाई में तेल जिसमें आप भर के रख रहे हैं तलने के लिए, उसको गरम गरम करके एक बार थोड़ा सा डाल के देख सकते हैं और उसको चख लें। यदि आपको लगे कि नमक वगैरह कम है तो इस स्टेज पे आप नमक और मिर्ची थोड़ा भी मिला के मिक्स कर सकते हैं उसको। तो इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपकी सेव टेस्टी बने। तो अब हमने ये लगा लिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, और इसको थोड़ा गीला गीला ही रखेंगे इस तरह से, और गीला गीला रख के और अब हम इसको ढक देंगे। थोड़ा ये पानी सोख लेगा बेसन, फूल भी जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस अभी मैं इसको ढक देती हूँ। तो 10-12 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे, फिर हम इसकी सेव बनाएंगे। तो 10-12 मिनट तक हमने इसको ढक के रख दिया था हमारे बेसन को, ताकि ये फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसको हम वापस फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसा कि हमने एक बार इसको मिक्स कर लिया, हल्का सा पानी लेके और मैं इसको इसके ऊपर छिड़क के और इसको एक बार और अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और इसको हम जिस तरह से अच्छे से इसको करेंगे तो ये बेसन की सेव हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और बिल्कुल सूखा सूखा हमको बेसन नहीं रखना है। जैसे आपने ज्यादा बेसन की बना रहे हैं और आपने बहुत सारा बेसन लगा दिया है, तो जैसे आप ये बेसन पड़ा है तो साइड में थोड़ा थोड़ा ऐसे हमने जैसे बनाने लगे सेव, तो साइड में थोड़ा थोड़ा बेसन लेके उसमें पानी छांट के और इस तरह से आप गीला करके और उसको भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते रहे फिर गीला हल्का सा पानी छांट के, और ताकि उसको हम जब घिसेंगे, और आप चाहें तो मशीन में बना सकते हैं, तो मशीन में ज्यादा गीला करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं झारे पे बना रही हूँ झर्रे पे, तो उसको मैं घिस के बनाऊंगी तो आसानी से वो सेव निकलती है। तो हल्का सा पानी छाड़ दूंगी इसके ऊपर मैं, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा और ले लेंगे, बहुत ज्यादा भी गीला ना करें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और बस अब ये डो ले लिया मैंने, सॉफ्ट हो गया है ये हमारा, अब इसको हम रख देंगे झारे पे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है और तेल हमने गरम कर लिया। एक बार अच्छा गरम हो जाए फिर मीडियम पे कर देंगे सेव डालते वक्त, और फिर उसको तेज कर देंगे वापस से। और ये झारे रखी है मैंने, आप चाहे तो जैसा मैंने बताया मशीन में भी बना सकते हैं, गोल ऐसे हैंडल से घुमाने वाली या प्रेस करने वाली होती है, तो मैं इसके ऊपर रख के बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये करीब 30 साल पुराना तो होगा ही, इस पे हम हमेशा सेव बनाते हैं और बहुत इजीली बन जाती है इसके ऊपर। तो अब हम हमारी सेव बनाने शुरू करते हैं और बेसन को सॉफ्ट कर लें वो आसानी से जैसे कढ़ाई में गिरे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक बार घिस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप लोग यदि झारे से बना रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखें, और नहीं तो आप मशीन से बना सकते हैं। तो ये देखिए आप, हमारी सेवें गिर रही है कढ़ाई के अंदर। तो ये मेरा झारा थोड़ा बारीक वाली सेव का है जिस हिसाब से हमको चाहिए था, और आप लोग चाहें
तो मोटी सेव का भी आता है, इससे भी ज़्यादा बारीक का भी आता है, जो भी आप लोग जैसा बनाना चाहें। तो बारीक वाली सेव फटाफट से सीख जाती है, तो बस ये देखिए आप सीख गई, इसको निकाल दूंगी मैं। और आज को धीमा कर ले, एक बार थोड़ा तेज कर ले, फिर वापस से धीमा कर ले, ताकि सेव जले नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी सिकती है ये। तो ये देखिए आप, बड़ा बड़ा बेसन थोड़ा टाइट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी छांट के हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, ताकि जब हम उसको झारे पे से निकालें तो आसानी से निकल जाए, बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें। और इससे क्या होता है, अच्छे से मथ लेते हैं इसको, तो बेसन हमारा सॉफ्ट हो जाता है, तो बेसन हमारी जो सेवें हैं वो भी बहुत अच्छी बनती है, और झर्रे में से निकालने में भी आसानी होती है। तो देखिए आप, फिर से बना रही हूँ मैं इसको रख के। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बेसन की सेव बिल्कुल तैयार हो गई है, और ठंडा होने के बाद इसे आप कंटेनर में किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं। बिल्कुल इसको ठंडा होने दीजिए, और आप चाहें तो जैसा मैंने बताया, थोड़ी मोटी थोड़ी बारीक, या जिस भी शेप की आपके पास मशीन है उसके अंदर सांचा है वैसी बना सकते हैं आप, और मसाले भी अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, अजवाइन, हींग, लहसुन की बनानी तो लहसुन की थोड़ी सी पीसा हुआ लहसुन डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर पे सेव बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और टेस्टी। तो आप इसे अपने घर पे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर जरूर कीजिए।